जस्टिस याहिया अफरीदी तीसरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए। दफ्तर आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल, ओहदे का टाज संभालते ही 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी का हिस्सा होंगे। इसराइल ने ईरान पर बराह रास्त मिजाइल दाग दिए। एयर डिफेंस फोर्स के दो अहलकार जाँ बहक। तेहरान ने तहमी रियासत के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ईरान ने इसराइली हमलों के बाईस बंद अपनी फजाई हदूद खोल दी। मुख्तलिफ ममालिक एयरलाइंस का अपनी परवाजों को ईरानी फजाई हदूद इस्तेमाल न करने का मशवरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। फरीकैन पर खत्ते में मजीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। पाकिस्तान ने 4 साल के बाद होम ग्राउंड पर कामयाबी के झंडे काट दिए। इंग्लैंड को रावलपिंडी टेस्ट में 9 विकेटों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कप्तान शान मसूद ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत कौन के नाम कर दी। कहा, कौन ने इस जीत के लिए बहुत सब्र किया, टीम ने भी इस कामयाबी के लिए बड़ी मुश्किल झेली। इंग्लिश कप्तान का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने पर अफसोस का इजहार। बेन स्टोक्स ने 2 मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को शानदार करार दिया। हॉम स्पिनर्स नौमान अली ने बॉलर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज, जबकि बैटर साउथ शफीक सेंचुरी बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार।